फ्रेंड्स, हम अब आ चुके हैं एक नई रेसिपी लेकर निर्मल स्वेच किचन पर, और आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी के टेस्टी टेस्टी गोलगप्पे। हम अपने इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 250 ग्राम बारीक सूजी। अगर आपके यहाँ बारीक सूजी नहीं है तो आप मोटी सूजी लेकर उसे मिक्सर में पीस सकते हैं। 60 ml वाटर, 40 ml ऑयल। अब हम ऑयल और वाटर को मिक्स कर इन्हें थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। देख सकते हैं हमने पानी और ऑयल को मिक्स करके गर्म कर लिया है, तो हम इसके साथ सूजी का एक डो बना लेंगे। हम एक नॉर्मल आटे की तरह नहीं बल्कि कुछ इस प्रकार से बनाने वाले हैं। इसे एक प्लेट से ढक देंगे और आधा घंटे के लिए साइड में रखेंगे। कुछ इस प्रकार से अपने गोलगप्पों की लोई बनाएंगे। गोलगप्पे बनकर तैयार हो चुके हैं और ये बिल्कुल ही मार्केट जैसे बने हैं। अब हम इन्हें कढ़ाई से निकालना शुरू करेंगे। कढ़ाई से निकालकर हम इन्हें सीधा आटा छन्नी में डालेंगे ताकि इनके अंदर का तेल बाहर निकल जाए। गोलगप्पे बिल्कुल बनकर तैयार है और मैं अब आपको दिखाता हूँ कितने क्रिस्पी बने हैं। आप इसकी आवाज से ही जान सकते हैं कि कितने क्रिस्पी है। ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से फूट रहे हैं और अब आप इसके अंदर पानी भरकर इन्हें अच्छे से खा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम गोलगप्पों के पानी की रेसिपी डालें तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। बनाते वक्त हम कुछ विशेष चीजें ध्यान में रखेंगे, जैसे कि हमें कढ़ाई में गोलगप्पे एक एक करके डालने हैं। गोलगप्पे बनाने के लिए हमें बारीक सूजी लेनी है और जब हम कढ़ाई में गोलगप्पे डालेंगे तो उन्हें हमें बार बार दबाते रहना है, वरना आपके गोलगप्पे नहीं फूलेंगे और वह एक पापड़ी बन जाएंगे। रखते हुए हमने सोचा कि सबके घर में मेजिंग कप नहीं होंगे, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह भी डाला है कि आप ग्लास से अपने गोलगप्पों का मेजर कैसे करेंगे।